संबल में जुए की विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पिटाई से घायल एक महिला की मौत हो गई है। लाठी डंडों से जमकर मार पिटाई का मामला चंदौसी कोतवाली के गांव करेली का है। पुलिस के अनुसार जुए की विवाद में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें पिटाई से घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि कई और लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि पीड़ित पक्ष झगड़े की वजह बच्चों का विवाद और राशन कोटे की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? ये रात क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से हुआ? झगड़ा हमें ना पता, हम तो घर में से गए तो मार रहे सिर्फ बच्चों को ताई। अच्छा, हम गए तो हम पे रोड बरसा दी और हमारी बहू का फट सा मारो। अच्छा, उनकी मौत हो गई है? हाँ, उनकी मौत हो गई। अच्छा, इससे पहले भी कोई हुई थी मारपीट? इससे पहले कोई हुई थी मारपीट? पहले मारपीट हुई कोठा के ऊपर, वो कोठा के खून से निकालते चले आ रहे, जब भी हमें मारे उन्होंने। आपके 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 क्या अच्छा, अबे तो बच्चों के ऊपर भैया, तो हम तो घर ना आए, हम तो अपने घर आए, हम तो बाहर ना आए। कितने कितने लोग थे जिन लोगों ने मारपीट की? कितने लोग थे? झगड़ा किस वजह से हुआ था? बच्चों में लड़ाई हुई। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? उसके बाद मारपीट हुई, इन्होंने मारे सब लोग। हाँ, क्या बात हुई इसके बाद? जिनके बाद में जेल वो गई शिकायत करने। कौन है इसका, नाम क्या है इनका? नीलम। नीलम, नीलम। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वो पता बनिया मार को कैसे मारा, कैसे मारा, कैसे मारा था? अब वो आए हम जब तक नहीं पता। और कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? उसने घायल महिला। दिनांक 14/11/2020 दीपावली के दिन करेली में जुआ खेलने के प्रश्न में आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लोग आपस में ही गाली गलौज करने लगे। जब लोग घरों के लोगों ने गाली गलौज के लिए मना किया तो लोग मारपीट में उतारू हुए, और इसी दौरान मारपीट के दौरान ही एक महिला को एक डंडे से चोट लगी है, जिसके सर में गंभीर घाव होने से उसको तत्काल हॉस्पिटल चंदौसी भिजवाया गया। इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस तत्काल सूचना पहुंची और 2 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। थाने पर तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 अभियुक्त, कुल 5 अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त अभी शेष हैं, उनको गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला थी जिसकी मृत्यु हो गई।